हाई गाइज़ आई होप यू आर आर डूइंग वेरी वेल गाइज दिस वीरियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर ईदर डूइंग देयर सी ए और दे हैव क्लियर देयर सी एंड नाउ दे वॉन्ट टू डू ए सी सी ए सो मुझे दिन की ऑलमोस्ट तीन चार पाँच क्वेरीज आती हैं जहाँ पे बच्चे या तो फाउंडेशन लेवल के होते हैं सी ए में और वो इंटर लेवल कर आईपीसीसी लेवल कर रहे होते या उनका आईपीसीसी लेवल भी क्लियर हो गया होता है वो फाइनल लेवल कर रहे होते हैं शायद एक ग्रुप कर लिया एक ग्रुप पेंडिंग है या कुछ पेपर्स दे दिए या फिर फाइनल लेवल भी क्लियर है उनका एंड दे वांट टू डू ए तो मुझसे जो वो कॉमन क्वेरीज पूछते हैं वो होती हैं कि सर हमें कितनी एग्जामेशन्स मिलेंगी दूसरी जो वो, वो क्वेरी हमें पूछते हैं कि सर क्या प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का और तीसरा क्वेश्चन जो वो मुझसे पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि सर क्या आपके पास कोई ऑफर है तो मैं अब तुम्हारे लिए एक ऑफर लेके आया हूं सो so, जैसा कि तुमको पता है कि अगर तुम एग्जामिशन क्लेम करना चाहते हो तो तुम्हारे को नॉलेज लेवल के थ्री पेपर्स की एग्जामिशन के लिए पर पेपर अगर मैं पर पेपर की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेट 8000 थाउजेंड टू नाइन थाउजेंड रुपीज़ तुम्हें देने पड़ेंगे अगर तुम नॉलेज लेवल की एग्जिमिशन क्लेम करना चाहते हो और अगर तुम स्किल लेवल की एग्जीमशन क्लेम करना चाहते हो तो पर पेपर अप्रॉक्सीमेट 11000 थाउजेंड टू ट्वेल्व थाउजेंड का तुम्हारा एक्सपेंस है याद रखना दिस इज़ पर पेपर सो अगर तुम एग्जीमिशंस क्लेम करते हो तो अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूँ कि तुम पूरी पूरी नॉलेज और स्किल लेवल की क्लेम करते हो तो टोटल अमाउंट जो तुम्हारे को ACCA को देना होता है वो अप्रॉक्सीमेट तुम्हारा बन जाएगा वन लाख अप्रॉक्सीमेट वन लाख प्लस इसके अलावा तुम्हारी रजिस्ट्रेशन फीस उसके बाद तुम्हारा एक एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है एनुअल सब्सक्रिप्शन इन सारी फीस का टोटल अगर हम देखें तो वो अप्रॉक्सीमेट वन ट्वेंटी वन फिफ्टीन बन जाता है लेकिन अगर तुम वी गाइड के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराते हो रजिस्ट्रेशन याद रखना रजिस्ट्रेशन कराना है तो इन दैट केस तुम्हें सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट का डिस्काउंट मिल सकता है येस गाइज सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट का डिस्काउंट दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट तो इस वीडियो को ध्यान से देखना मैं सारे ऑफर सब कुछ तुमसे डिस्कस करूंगा सारा प्रोसीजर डिस्कस करूंगा एंड मोर ओवर अगर तुम चाहते हो कि इस वीडियो को बीच से देखना जैसे तुम्हारा फाउंडेशन लेवल तो क्लियर है इंटर लेवल भी क्लियर है फाइनल लेवल के कुछ पेपर्स तुम दे रहे हो सो so ऑफकोर्स तुम ये वीडियो को स्टार्टिंग से नहीं देखना चाहोगे जहां मैंने एक्सप्लेन कराए सो वॉट यू कैन डू इसके नीचे जहाँ तुम्हारी स्क्रोल लाइन होती है वहाँ तुम्हारे को चैप्टर्स मिलेंगे एंड वैन यू क्लिक ऑन द चैप्टर्स वहाँ पर जाके तुम अपनी स्टेज पर क्लिक करके वहाँ से इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर सकते हो ठीक है गाइज सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो अच्छा एक छोटी सी चीज जब मैं स्टार्ट करने से पहले अगर तुम इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन एंड इस वीडियो को अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना जो ए करना चाहते हैं चलो अब बढ़ते हम हम आगे तो सबसे पहले हम ये देख हैं है सीएम एग्जामेशन ए फाउंडेशन हमें वो नहीं देखना विल टॉक अबाउट एसीसीए क्वालिफिकेशन हमें हमेशा ACCA क्वालिफिकेशन के थ्रू ही सिलेक्ट uh, करना होता है जब भी हमारे पास ऑप्शन आता है ठीक है तो ACCA क्वालिफिकेशन में देयर आर टोटल थर्टीन पेपर्स दैट यू हैव टू गिव तो सबसे पहले आते, है आते, MA, आते हैं हमारे नॉलेज लेवल नॉलेज लेवल में हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं एफ वन बी टी दैट इज बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी एफ टू एम ए मैनेजमेंट अकाउंटिंग एफ थ्री एफ ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग देन आता है हमारा स्किल लेवल स्किल लेवल में हमारे टोटल सिक्स एग्जाम्स होते हैं ट्वेल जस्ट राइट देर आर थ्री एग्जाम्स देर आर सिक्स एग्जाम्स और इसमें हमारे टोटल होते हैं फोर एग्जाम्स तो इसमें सिक्स कौन कौन से होते हैं एफ फोर दैट इज़ लॉ कॉरपोरेट एंड बिजनेस लॉ एफ फाइव दैट इज़ पी एम दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एफ सिक्स टैक्स दैट इज़ टैक्सीशन एफ सेवन एफ आर दैट इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफ एट ए एडिटन इंश्योरेंस एफ नाइन एफ एम दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और लास्ट आता है हमारा प्रोफेशनल लेवल जिसके अंदर टोटल सिक्स एग्जाम्स होते हैं बट हमें फ़ोर देने होते हैं कैसे देने होते हैं फोर एस बी आर एंड एस बी एल दैट इज स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग एंड स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर ये दो सब्जेक्ट्स हमारे लिए मैंडेटरी होते हैं देने और आउट ऑफ दीज फोर हमें कोई भी दो एग्जाम्स देने होते हैं सो so, कौन कौन से हैं एडवांस ऑडिट एंड इंश्योरेंस ट्रिपल ए एफ एम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड एडवांस टैक्सेशन तो ये है टोटल के ए सी सी ए में पेपर की लिस्ट कितनी है लिस्ट में कितने पेपर हैं सॉरी सो अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है इंपॉर्टेंट बात इज़ कि हमें टोटल एग्जामेशन्स अगर हम मान के चलें कि सी कर भी ली तो कितनी मिलेगी सो टोटल एग्जम्पन्स जो हमें मिलेंगी वो मिलेगी इतनी इससे ज्यादा एग्जम्पन्स हमें नहीं मिल सकती दैट मीन्स जो प्रोफेशनल लेवल है प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स तो हमें देने ही देने पड़ेंगे चाहे हमारी सी ए हुई है चाहे नहीं हुई है चाहे हम सी ए प्रैक्टिस कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं वॉट एवर दिनारियो इज फाइनल लेवल के पेपर्स तुम्हें तो हमेशा सारे के सारे देने ही पड़ेंगे ठीक है तो ये होता है टोटल ए का हमारा एग्जाम का स्ट्रक्चर एंड टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस वीडियो का वो ये आता है कि हमें इन सब में से कौन से लेवल पे आके कितनी एग्जामिशन मिलेगी विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो तो मैं तुम्हें तो वो चीज़ बताऊंगा इंपॉर्टेंट बात वहां पे आई डोंट डों आई विल नॉट राइट फुल नेम ऑफ दिस सब्जेक्ट तो आई विल राइट एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर एफ फाइव एफ सिक्स एफ सेवन एफ एट एफ नाइन और साथ में जो इनके शॉर्ट नेम है मैं ये यूज करूंगा मैं पूरा नाम नहीं यूज करूंगा तो तुम चाहो तो पॉज करके एक बार इसको अच्छे से देख के समझ सकते हो सो so गाइज ये हमारा एक छोटा सा सी ए पाथ सो सी ए पाथ इज हम यहां से स्टार्ट करते हैं वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर सबसे पहले हम क्या करते हैं अपनी फाउंडेशन फाउंडेशन क्लियर होती है उसके बाद हम क्या करते हैं अपना आईपीसीसी आईपीसीसी क्लियर होता है उसके बाद हमारा फाइनल क्लियर होता है ठीक है यहां पे हमारा फाइनल क्लियर हो जाता है और हम सीए बन जाते हैं तो अब मैं तुम्हें हर लेवल के हर लेवल पर बताता हूं कि हर लेवल में तुम्हारे को कितनी कितनी एग्जामिशंस मिलेगी तो सबसे पहले जो हमारी बात आती है वो आती है फाउंडेशन लेवल की काइस तो अगर मान लो तुम इस स्टेज पर हो यू आर डूइंग फाउंडेशन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी आती है बी कॉम दैट इज ग्रेजुएशन तो अगर मैं ग्रेजुएशन को भी साथ में इंक्लूड करूं दैट इज बी कॉम यह इंपॉर्टेंट है सो so, ग्रेजुएशन का जो लाइन है आई ड्रॉ टे क्यों ये मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कि लाइन जो मैंने ड्रॉ की है इसका मतलब क्या है देखो गाइस अगर तुम फाउंडेशन लेवल में हो और तुमने फाउंडेशन लेवल तुम कर रहे हो तो यहां तुम्हारे को मिलेगी नो no एग्जेम्पन तुम्हें कोई भी एग्जम्पन फाउंडेशन लेवल तक नहीं मिलती है ठीक है फाउंडेशन लेवल तुमने क्लियर कर लिया क्लियर करने के बाद इस स्टीज पे, इस स्टेज पे आके अगर तुमने बोला कि सर हमने फाउंडेशन क्लियर कर ली है अब एग्जाम्शन मिलेगी नहीं मिलेगी यहां पे भी तुम्हारे को नो no एग्जाम्पन कोई भी एग्जाम्शन तुम्हारे को नहीं मिलेगी अब अगर तुम मान लो इस स्टेज पे हो कि यू आर डूइंग आईपीसीसी तो क्या तुम्हें यहां पे आईपीसी के बेस पे एग्जामेशन मिलेगी तो अगेन माय आंसर वुड बी नो एग्जाम्शन तुम्हें आईपीसी अगर तुम कर रहे हो तुमने क्लियर नहीं की है तुम आई कर रहे हो इस स्टेज पे हो तो यहां पे भी तुम्हारे को कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगी लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे क्या आता है वो ये है अगर तुमने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है इफ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन चाहे तुमने फाउंडेशन स्टार्ट करने से पहले कर ली है चाहे तुम फाउंडेशन भी कर ली ग्रेजुएशन भी साथ कर ली चाहे तुम आईपीसीसी कर रहे हो और तुमने ग्रेजुएशन कर ली है सो so अगर तुमने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है दैट मीन्स फुल ग्रेजुएशन दिस स्टार्ट इज फॉर फुल ग्रेजुएशन अगर तुम इस स्टेज तक हो तुमने अभी IPCC क्लियर नहीं करी है और तुम इस स्टेज तक हो और तुमने ग्रेजुएशन कर ली है तो इन दैट केस ग्रेजुएशन के बेसिस पे तुम्हें F1, F2, F3 एंड F4 इन चार पेपर्स की तुम्हारे को एग्जैम्शन मिल जाएगी सो so, अगर तुम फाउंडेशन लेवल में हो चाहे आईपीसीसी लेवल में हो चाहे तुमने आईपीसीसी का एक सब्जेक्ट एक ग्रुप क्लियर कर लिया है या आईपीसीसी का कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं किया है डजेंट मैटर तुमने अगर ग्रेजुएशन कर ली है तो तुम्हें एफ़ वन टू एफ़ फोर इन चारों पेपर्स की एग्जामेशन मिल जाएगी याद रखना अभी तुमने आई क्लियर नहीं करा है जो बच्चों ने आईपीसीसी क्लियर नहीं करा है उन सारे बच्चों के लिए ग्रेजुएशन के बेस पे ही हमें एग्जामेशन मिलती है पार्ट आईपीसीसी पार्ट आईपीसीसी मतलब कि अभी तुम पार्ट आईपीसीसी आईपीसीसी पे हो पूरा IPCC नहीं करा है तो तुम्हें कोई एग्जिमिशन नहीं मिलती एंड ये जो इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें बता रहा हूं मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन एसीसीए की साइट से एग्जिमिशन कैलकुलेटर से निकाल के मैं तुम्हें बता रहा हूं कुछ भी मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट so कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं जिन्होंने आईपीसीसी भी क्लियर कर दिया है दोनों ग्रुप्स आईपीसीसी के क्लियर कर लिए और तुम फाइनल लेवल पे हो चाहे फाइनल का अभी कोई भी एग्जाम नहीं दिया है अगर तुमने आईपीसीसी क्लियर कर ली है तो यहां पर जो तुम्हारे को एग्जामिशन मिलेगी एक तो एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर एफ सिक्स एंड एफ एट अब तुम्हारे को नॉलेज लेवल के तीनों पेपर की एग्जामिशन मिल जाएगी और स्किल लेवल के भी तुम्हारे को तीन पेपर आए राइट यहाँ पे F4, F6 सिक्स एंड एफ इन तीनों सब्जेक्ट्स के स्किल लेवल के सब्जेक्ट्स की भी तुम्हें एग्जिमशन मिल जाएगी सो एफ फोर जो है तुम्हारा दैट इज लॉ F6 जो तुम्हारा है दैट इज टैक्सेशन और F8 जो तुम्हारा है दैट इज ऑडिट एंड एश्योरेंस तो इन सब्जेक्ट्स की भी तुम्हारे को एग्जिमशन मिल जाएगी तो टोटल सिक्स एग्जाम्स की तुम्हारे को एग्जिमशन मिलेगी अगर तुमने आई क्लियर कर लिया है ठीक है सॉरी सॉरी एक छोटी सी चीज F4 की तुम्हें अभी नहीं मिलेगी ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे क्लियर करनी जरूरी हैं F4 की तुम्हें अभी नहीं मिलेगी F4 की एग्जामिशन तभी मिलेगी अगर तुमने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया सो so, मैंने जैसे कि बताया था कि ग्रेजुएशन का कोई रोल नहीं है बट रोल है क्या रोल है अगर तुमने ग्रेजुएशन भी कर ली है तो तुम्हारे को F4 की भी एग्जामेशन मिल जाएगी लेकिन अगर तुमने ग्रेजुएशन नहीं करी है तो तुम्हें F4 की एग्जामिशन नहीं मिलेगी आई के बेसिस पे तुम्हें F1, F2, F3, F5 एंड एफ इन पांच पेपर्स की एग्जामिशन मिलेगी नॉर्मली क्या होता है जब बच्चा आईपीसीसी कर लेते हैं वो सारे बच्चे देखो कोई भी बच्चा अकेला सीए नहीं करता वो ग्रेजुएशन साथ करते हैं ये तो सबको पता है तो ग्रेजुएशन जब हमारी कंप्लीट नॉर्मली जब हम आईपीसीसी क्लियर करते हैं उस टाइम तक हमारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो ही जाती है ठीक है अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं वो अभी एफ का पेपर नहीं देते ग्रेजुएशन तो सारे कर रहे होते हैं मान लो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है उसका ग्रेजुएशन का वो सेकेंड ईयर में है और अभी थर्ड ईयर उसका चल रहा है ठीक है और वो फाइनल लेवल पे सी के आ चुका है तो बच्चे क्या करते हैं वो एफ़ फोर का एग्जाम नहीं देते वो क्या करते हैं वो जो रिमेनिंग पेपर्स हैं एफ सेवन एफ फाइव और एफ़ नाइन वो इनकी स्किल लेवल की तैयारी करते हैं और उनको पता है क्या पता है कि जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी दो साल बाद या एक साल बाद उन्हें एफ़ फोर की एग्जिमिशन तो मिली जाएगी तब तक वो इन पेपर्स की तैयारी करते हैं एफ़ सेवन एफ फाइव एन एफ नाइन और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है वो एफ़ की भी एग्जामेशन लेते हैं ठीक है तो इसीलिए मैंने बोला था कि आईपीसीसी लेवल तक जब भी बच्चे पहुंचते हैं उनको नॉर्मली ये एग्जामिशन मिल जाती है ठीक है तो ये है बच्चे जिनका आईपीसीसी क्लियर है और अभी फाइनल लेवल पे वो है फाइनल अभी क्लियर नहीं हुआ है कोई भी पेपर नहीं दिया है अब आती है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे So, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस क्योंकि यहां वाले बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और यहीं वाले बच्चों की मुझे मोस्टली क्वेरीज आती हैं तो फाइनल लेवल में जो बच्चा है ध्यान से सुनना उसको एग्जिमशन कौन कौन सी मिलनी ही मिलनी है एक तो एफ वन एफ टू एफ थ्री होगी तुम्हारे नॉलेज लेवल के नॉलेज लेवल के स्किल लेवल में एफ फोर एफ सिक्स एंड एफ़ एट मैंने बताया था कि एफ़ फोर जो हमारा है दिस इज़ लिंक विद ग्रेजुएशन तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था ये चीज़ वही रहेगी क्या कि अगर तुमने ग्रेजुएशन नहीं भी करी है और तुम फाइनल लेवल पर आ चुके हो और ग्रेजुएशन का एक आधा साल रह गए तो बच्चे जनरली एफ़ का एग्जाम नहीं देते क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी उनको एफ़ फ़ोर हो जाएगा तो बच्चे क्या करते हैं वो बाकी के सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही एफ़ फ़ोर की एग्जामेशन ले लेते हैं अभी मैं मान के चल रहा हूं कि एफ भी तुम्हें एग्जाम होगा सो so, ये छह पेपर्स तो तुम्हारे को एग्जाम होंगे ही होंगे अब बात आती है तुम्हारे तीन स्पेसिफिक पेपर्स की और उनकी एग्जाम्शन तुम्हें कब कब मिलेगी सो so, गायस अब बात आती है रिमेनिंग पेपर्स की तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुमने आईपीसी क्लियर कर लिया है तो इन सिक्स पेपर्स की तो एग्जामेशन तुम्हें मिली जाती है लॉ के बारे में मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ क्या है अब बात आती है रिमेनिंग पेपर्स ऑफ स्किल लेवल दैट इज एफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एफ सेवन दैट मीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एफ नाइन दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सब्जेक्ट्स की तुम्हें एग्जामेशन कम मिलेगी एक चीज़ याद रखना अभी मैं तुमसे ये बात नहीं कर रहा हूँ कि ग्रुप क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ हम इसकी बात ही नहीं करेंगे कि तुमने जो ग्रुप वन है और जो तुम्हारा ग्रुप टू है वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ वी विल नॉट टॉक इन दैट सेंस वी विल ओनली टॉक इन देंस कि तुमने उस फाइनल लेवल का वो सब्जेक्ट जो है उसमें 40 प्लस तुम्हारे आए हैं कि नहीं आए हमें सिर्फ वो चीज़ पे फोकस करना है कि 40 प्लस हमारे उस सब्जेक्ट में आए हैं कि नहीं आए अगर आए हैं तो एग्जाम्शन मिलेगी नहीं आए तो एग्जम्शन नहीं मिलेगी ठीक है चाहे वो वाला ग्रुप जिस ग्रुप के अंदर वो सब्जेक्ट आता है वो पास हुआ है कि नहीं हुआ तो सबसे पहला आता है हमारा एफ़ फाइव दैट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट की एग्जाम्शन तुम्हें तब मिलेगी अगर तुमने फाइनल लेवल का ए एम ए दैट इज़ एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ये नाम अलग अलग है क्योंकि मुझे नहीं पता पहले कुछ और करिकुलम था सब्जेक्ट के नाम कुछ थे अब कुछ और आ गए हैं तो इन दोनों में से बेसिकली कोई एक ही होगा ऑफकोर्स अगर तुमने ये पेपर क्लियर कर लिया है और इसमें तुम्हारे फोर्टी प्लस मार्क्स आए हैं चाहे वो ग्रुप क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ यू विल गेट दी एग्जामेशन सेम वे अगर तुम्हें एफ सेवन यानी एफ आर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की

फ़ाइनल लेवल का एस या मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ये एग्ज़ाम दिया है और इसमें भी तुम्हारे 40 प्लस मार्क्स आए हैं सो तो तुम्हारे को एफ़ यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसकी भी एग्जामेशन मिल जाएगी सो इट मीन्स अगर तुम सी ए फाइनल लेवल पे हो और तुमने ये तीनों पेपर्स क्लियर कर लिए हैं विद 40 प्लस मार्क्स जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे फाइनल के दोनों ग्रुप्स दे चुके होते हैं दोनों ग्रुप्स में हर सब्जेक्ट के में उनके 40 प्लस होते हैं बट टोटलिटी तो, में वो नहीं पास कर पाते तो उन बच्चों को अगर वो एसीसीए में शिफ्ट करना चाहते हैं बहुत एडवांटेज है क्योंकि स्किल लेवल के जो तीनों पेपर्स बचे हुए हैं उनकी भी एग्जामिशन सबको मिल जाएगी ठीक है सो मैंने तुम्हें एग्जामेशन के बारे में आई बिलीव सब कुछ बता दिया है कोई भी डाउट हो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन एंड इस वीडियो के एंड में आई गिव यू नंबर जहां पे तुम रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो जहां पे जो मैंने बेनिफिट्स बताए थे तुम उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो एंड इफ यू वांट टू टेक एनी हेल्प और एनी डाउट यू हैव तुम उसके लिए भी उस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो सो विच मीन्स जिन बच्चों का सी फाइनल क्लियर है वो सी बन चुके हैं उन बच्चों को सारी की सारी एग्जाम्शन मिल जाएंगी ये सारी एग्जाम्शन उनको मिल जाएंगी सिंपल सा हमारा ये लॉजिक है बहुत बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं तो मैं इस वीडियो से चाहता हूँ कि बच्चों की पूरी की पूरी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए ठीक है सो so, अगर बच्चों ने सी फाइनल क्लियर कर लिया है सी बन चुके हैं तो उनको सारे के सारे नॉलेज लेवल और सारे के सारे स्किल लेवल के पेपर्स की एग्जाम्शन मिल जाएगी जो उनको एग्ज़ाम्स देने हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ए फाइनल के एग्ज़ाम्स उनको देने पड़ेंगे जो मैंने बताया था जहाँ पर हमारे फोर सब्जेक्ट्स हमें होते हैं जो देने होते हैं जिसमें से टू मैंडेटरी होते हैं एंड टू ऑप्शनल होते हैं ये तो इन एनी केस मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हमें देने ही देने पड़ेंगे इनमें से किसी की भी कभी भी हमें एग्जम्शन नहीं मिलती सो गाइज अब ए सी सी में रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है इट इज़ वेरी सिंपल ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू विजिट ए सी सी गोबल डॉट कॉम वहां पर सी एन ऑप्शन फॉर अप्लाई नाउ ठीक है ऑन द टॉप तुम्हें ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ वेन यू क्लिक ऑन अप्लाई नाउ उसके बाद एक पेज आएगा जहां पे तुम्हारे को वो सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है एंड लास्ट में यू विल गेट एन ऑप्शन गेट स्टार्टेड सो वेन यू क्लिक ऑन गेट गेट स्टार्टेड तुम्हारी एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ठीक है उसके बाद जितनी भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो तुम्हें फिल करनी है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हें एसी सी ए क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है एसी सी एफ आई ए नहीं सिलेक्ट करना इसके बाद जब तुम नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे को एग्जामेशन पूछी जाएंगी सारी तुम्हें सारी एग्जामेशन जो तुम क्लेम कर सकते हो वो सारी डालनी है जिसके साथ तुम्हारे को सारे सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं तो यू हैव टू अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स एज वेल जिनके बेस पे तुम एग्जामेशन क्लेम कर रहे हो ठीक है जैसे तुमने अगर आईपीसीसी क्लियर कर लिया है तो आईपीसीसी का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट लगा सकते हो अगर तुमने फाइनल के कुछ पेपर्स कर लिए हैं 40 मार्क्स प्लस क्लियर और तुम उनकी एग्जामेशन लेना चाहते हो तो वो मार्क्स लगा दो तो ये तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे पूरे लगाने पड़ेंगे एंड दी अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय ए सी ये सब करने के बाद तुम ऑफकोर्स जो सब्जेक्ट की तुम एग्जामेशन लेना चाहते हो उसकी तुम्हें फीस पे करनी पड़ेगी तो यहाँ पर तुम्हारे को एक तो रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी प्लस उसके साथ तुम्हारे को एग्जामिशन फीस जितनी भी है वो भी पे करनी पड़ेगी जैसा मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि फॉर नॉलेज लेवल इट इज अप्रॉक्सीमेट एट थाउजेंड टू नाइन थाउजेंड पर पेपर पर पेपर नॉट पूरे नॉलेज लेवल की एंड फॉर स्किल लेवल इट इज अप्रॉक्सीमेट इलेवन थाउजेंड टू ट्वेल्व थाउजेंड पर पेपर ठीक है ये सब करने के बाद जब तुम रजिस्ट्रेशन करा लोगे सारी फीस पे कर दोगे तो यू विल बी गेट यू विल बी रजिस्टर्ड एंड ए टू टेन डेज के अंदर तुम्हारे को तुम्हारा लॉग इन पासवर्ड और एक मेल आ जाएगा एस से फॉर द रजिस्ट्रेशन वो करने के बाद यू कैन लॉग इन थ्रू योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड टू चेक ऑल द एंड उसके बाद तुम अपने एग्जाम बुक करा सकते हो और अपने एग्जाम्स दे सकते हो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है बट जो बात आती है वो बात आती है पे रिक्वायर्ड फीस पे सो so, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था क्या बताया था मैंने कि अगर तुम लेट से तुम्हारा आईपीसीसी क्लियर है आईपीसीसी क्लियर है और फाइनल के कुछ पेपर्स अभी पेंडिंग है ठीक है तो अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ आईपीसीसी क्लियर है तुम्हारा तो इन दैट केस तुम्हारे को जो टोटल कॉस्टिंग आएगी अगर तुम खुद रजिस्ट्रेशन कराते हो विच इंक्लूड्स इनिशियल रजिस्ट्रेशन टू ए सी सी ए प्लस एग्जिब प्लस एनुअल सब्सक्रिप्शन तो अप्रॉक्सीमेट तुम्हारी सेवन थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड कॉस्ट आएगी ठीक है और अगर तुम दिस इज एम टॉकिंग अबाउट अगर तुम्हारा आईपीसी क्लियर है और अगर तुम्हारा सी ए फाइनल क्लियर है तुमने सी ए क्लियर कर ली है तो जो अप्रोक्सीमेट तुम्हारा एक्सपेंस आएगा इट्स गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेट वन लाख रुपीज अब बात आती है कि अगर तुम वी गाइड से रजिस्ट्रेशन कराते हो वी गाइड यानी हमारे थ्रू अगर तुम रजिस्ट्रेशन कराते हो तो तुम्हें उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है बहुत ध्यान से सुनना गाइस सबसे पहले अगर तुम इस लेवल पे हो तो सेवेंटी थाउजेंड जो तुम्हारी टोटल कॉस्ट है ये रिड्यूस हो जाएगी एंड इट विल गो फॉर ओनली एंड ओनली ट्वेंटी फाइव थाउजेंड दैट मीन सिर्फ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के अंदर तुम्हारे को ये काम भी कुछ नहीं कर रहा ये सारी रजिस्ट्रेशन भी हम कराएंगे तुम्हारे को जो एग्जामेशन हैं वो

और तुम हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन कराते हो तो क्या बेनिफिट मिलेगा तो ये कॉस्ट रिड्यूस होकर तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ हो जाएगी रुपीज थर्टी फाइव थाउजेंड सो थर्टी फाइव थाउजेंड ही तुम्हें पे करने पड़ेंगे जिसमें तुम्हें सारी ये सारा रजिस्ट्रेशन का काम तुम्हारा इनिशियल रजिस्ट्रेशन प्लस फर्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन ये सारी फीस सिर्फ थर्टी फाइव थाउजेंड में ही इंक्लूड होगी सो दीज आर लाइक स्कॉलरशिप्स विच वी गाइड इज गिविंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड आई हैव टाइड अप विद वी गाइड जैसा कि मैं अपनी सारी वीडियोस में बच्चों को बताता ही हूँ तो गाइज अगर तुम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो और तुम स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर यू कैन कॉल और यू कैन व्हाट्सएप मैसेज एंड वहाँ से यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन प्लस अगर तुम ए के रिगार्डिंग कोई भी काउंसलिंग सेशन कराना चाहते हो कोई भी काउंसलिंग लेना चाहते हो उसके लिए भी यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दि सेम नंबर एंड यहाँ से तुम्हें सारे जो तुम्हारे डाउट्स हैं सारी क्लैरिफिकेशन तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी सो गाइज आई होप तुम्हें वीडियो समझ आई हो और तुम्हारे को अब क्रिस्टल क्लैरिटी आ गई हो कि अगर तुम ए करना चाहते हो और तुम सी के किस भी लेवल पे हो तो हाउ कैन यू रजिस्टर इन ए एंड तुम्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं ठीक है सो जैसे कि मैंने बताया था अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक करना मेरा चैनल शेयर करना सब्सक्राइब करना एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज